अक्टूबर में मेरी शादी थी और मेरे भैया पिछले एक साल से विदेश में थे। मैं भी अपनी शादी से काफी खुश थी। मेरी शादी को अभी 6 महीने बाकी थे, अभी से तैयारियां चल रही थी। भाभी और मेरी माँ दोनों मेरी शादी के लिए लगातार खरीदारी कर रहे थे। भैया जब भी रुपया भेजते, दोनों सास बहू मार्केट के लिए निकल पड़ती। भैया के ना रहने पर रात को मैं भाभी के कमरे में ही सोती। भाभी के कमरे में 2 अलमारियां थी, एक बड़ी और एक छोटी। बड़ी अलमारी ढेर सारे कपड़े और मेकअप के सामान से भरी हुई थी और छोटी अलमारी हमेशा लॉक रहती। इस अलमारी में क्या सामान था मुझे मालूम नहीं था। मैं जब भी भाभी से पूछती, वो कहती कि शादी के गहने वगैरह रखे हुए हैं। रात को हम दोनों नंद भौजाई खूब हंसी मजाक और ढेर सारी बातें करते हुए सो जाते। कभी कभी भैया का फोन आता तो वो दूसरे कमरे में जाकर घंटों फोन पर लगी रहती और इधर मैं भी अपने मंगेतर रिजवान से फोन पर लग जाती। इस तरह 3 महीने बीत गए। भैया के आने में अभी 2 महीने का वक्त बाकी था। एक रात तकरीबन 2 बज रहे थे कि तभी मेरी आँख खुल गई। देखा तो भाभी बिस्तर से गायब थी। मुझे लगा कि भैया का फोन आया होगा, लेकिन भाभी का फोन बिस्तर पर ही था। मैं बाहर निकली तो देखा कि भाभी बाथरूम में थी और उल्टियां कर रही थी। मैंने भाभी को आवाज लगाई, भाभी सब ठीक तो है ना? तभी भाभी बाथरूम से बाहर निकल आई और बोली, कल मार्केट में उल्टा सीधा खा लेने की वजह से बदहजमी हो गई है, इसलिए उल्टी हो गई। अभी दवा ली हूँ, अब ठीक महसूस कर रही हूँ। सुबह भाभी मम्मी के साथ मार्केट न जाकर अकेले ही निकल गई। भाभी के साथ मैं मार्केट जाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने बहाने से मुझे भी रोक दिया। मैं भाभी के कमरे में ही सोती थी, इसलिए भाभी कमरे को लॉक नहीं करती थी। घर का काम निपटाकर मैं भाभी के कमरे में गई और भाभी की छोटी अलमारी खोलकर देखने का मन हुआ, लेकिन उसकी चाबियां भाभी छुपा कर गई थी। मैंने घर की ढेर सारी नई पुरानी चाबियां इकट्ठा की, सभी चाबियों से अलमारी को खोलने की कोशिश करने लगी और एक पुरानी चाबी से अलमारी खुल गई। उसमें गहने और भैया भाभी के जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ मुझे कुछ दवाइयां मिली। मैंने मोबाइल से दवाइयों की फोटो ली और अलमारी को पहले की तरह बंद कर दिया। भाभी की दवाइयों में कुछ दवाओं को तो मैं पहचान गई। 2 साल पहले जब मैं कॉलेज में थी तब मुझसे भी ऐसी गलती हो गई थी और मुझे गर्भ ठहर गया था। मेरे बॉयफ्रेंड को पता चला तो उसने मेरा साथ देने की बजाय मुझसे किनारा कर लिया। बोला कि यह बच्चा मेरा ही है, मैं कैसे यकीन कर लूं। गर्भ गिराने की खुद से कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हालात की गंभीरता को देखते हुए मैंने भाभी को सब कुछ बता दिया था। भाभी ने तब मेरा बहुत साथ दिया और मुझे कुछ ऐसे ही दवाइयां ला कर दी जिससे मैं ठीक हो गई। उस घटना के 2 साल बीत चुके थे, लेकिन भाभी ने मेरे इस गहरे राज की किसी को खबर तक न लगने दी। भाभी की अलमारी से दवाइयों की फोटो को देखकर मैंने गूगल किया तो मालूम हुआ कि यह दवाइयां 2 से 3 महीने का गर्भ गिराने के लिए इस्तेमाल होती है। यह जानकारी मिलते ही मैंने घर के कूड़ेदान को खंगाला तो वहां मुझे दवाइयों के कुछ खाली रेपर मिल गए। पूरे दिन मैं हैरान और परेशान होकर अपनी भाभी के चरित्र के बारे में सोचती रही। भैया के न रहते भाभी प्रेग्नेंट हो गई। मुझे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था। भैया को विदेश गए 1.5 साल हो गए थे। इस बीच भाभी एक बार भी मायके नहीं गई थी। घर में मेरे छोटे भाई शाहिद के अलावा मर्द कोई था नहीं। शाहिद की उम्र अभी सिर्फ 12 साल ही थी। भैया भाभी की शादी को 3 साल ही हुए थे। दोनों पढ़े लिखे थे और भैया को विदेश जाना भी था। दोनों को बच्चे की कोई जल्दीबाजी नहीं थी, इसलिए भाभी के अभी तक कोई बच्चा नहीं था। भाभी की खूबसूरती ऐसी कि कोई भी फिदा हो जाए। शाम तक भाभी मार्केट से सामान लेकर वापस लौट आई। बहुत थकी थकी सी लग रही थी। मैंने पूछा, भाभी इतना वक्त कहाँ लग गया? भाभी बोली, तेरी शादी का कुछ जरूरी सामान लेने मैं चांदनी चौक चली गई थी, इसलिए थोड़ा वक्त लग गया।
लेकिन मुझे शक था कि भाभी पूरे दिन किसी मैटरनिटी हॉस्पिटल में बच्चा गिरवाने गई थी। रात हुई तो भाभी और मैं दोनों बिस्तर पर थे। मैंने भाभी से पूछा, भाभी तुम मेरी भाभी हो, उससे ज्यादा तुम मेरी एक सच्ची दोस्त भी हो। 2 साल पहले तुमने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया था। मैं आपका एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। इस वक्त तुम्हें यह सब क्यों याद आ रहा है जैनब? तुम मेरी नंद ही नहीं, मेरी प्यारी छोटी बहन भी हो, समझी? मैं कुछ कहती कि भाभी के फोन की घंटी बजी और वो फोन लेकर बाहर जाते हुए बोली, तुम्हारे भैया का फोन है। भाभी के फोन पर भैया का ही फोन है। इस बात पर मुझे यकीन नहीं हुआ तो मैंने अपने फोन से सीधे भैया को फोन लगा दिया और एक ही बार में फोन उठ गया। मैं बोली, भैया कैसे हो आप? भैया ने कहा, मेरी 22 तारीख की टिकट कंफर्म हो गई है। यह बताने के लिए मैं तेरी भाभी को अभी कॉल करने ही वाला था कि तूने फोन कर दिया। बता तूने कैसे फोन किया? मैं बोली, भैया भाभी के लिए कोई ऐसा गिफ्ट लेते आना जिसे मैं भाभी को दे सकूं। वो मेरी शादी के लिए बहुत मेहनत कर रही हैं। मैं उन्हें अपनी ओर से कोई गिफ्ट देना चाहती हूं। लेकिन आप भाभी को यह बात मत बताना कि मैंने अभी आपको कॉल किया, प्लीज भैया। भैया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है पगली, मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन लाना क्या है, वो तो बता देती। खैर छोड़, कल तक तेरे दिमाग में अगर सरप्राइज गिफ्ट के लिए कोई आइडिया आ जाए तो मुझे मैसेज कर देना। मैं भैया से बातें करते हुए भाभी पर नजर रखी हुई थी, वो भी फोन पर लगी हुई थी। यह देखकर मुझे इतना तो यकीन हो ही गया था कि भाभी इस वक्त भैया से नहीं बल्कि किसी और से बातें कर रही हैं। और जब बातें पूरी हो जाएंगी तब भाभी भैया को फोन लगाकर उनसे भी थोड़ी बातें कर लेंगी ताकि उन पर शक की गुंजाइश न रहे। भाभी चांदनी चौक से लौटी थी, तब से थकी थकी सी लग रही थी। फोन कटने के बाद बिस्तर पर आई और सो गई। मैं सोच रही थी कि या तो बहुत बड़े धोखेबाज है ये औरत, या भाभी अपनी जवानी कंट्रोल न कर पाई और अनजाने में कहीं गलती कर बैठी हैं। जब तक मैं सच न जान लूं, मुझे चैन न मिलेगा। देखते देखते भैया के आने का समय करीब आ गया। अब तक भाभी भी बिल्कुल ठीक हो गई थी और भैया के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। लेकिन मैं अब तक भाभी के सच को न जान पाई थी। भाभी का सच जानने के लिए मुझे भाभी का फोन खंगालना था। मुझे लगता था कि भाभी के फोन में कुछ राज तो जरूर मिल जाएगा, वरना भैया के आने से पहले तो भाभी सब डिलीट कर देंगी। एक दिन घर में कुछ रिश्तेदार आए हुए थे। मैंने भाभी को किचन में बिजी देखा तो मैं भाभी से बोली, भाभी मैं रिजवान से बात कर रही थी कि फोन कट गया, जरा अपना फोन देना। मुझे पहले से पता था कि भाभी कोई ना कोई बहाना बनाएंगी, वही हुआ। भाभी बोली, मेरा फोन बिल्कुल चार्ज नहीं है, कल से इतनी बिजी हूँ कि भूल गई, अभी चार्ज में लगाया है, थोड़ी देर बाद चार्ज हो जाएगा तो ले लेना। भैया के इंडिया पहुंचने में 2 दिन बाकी रह गए थे। अब मेरे सबर का बांध टूटता जा रहा था। आज भाभी के साथ मुझे मार्केट जाना था, लेकिन मैंने बहाना कर दिया और भाभी मेरी माँ के साथ मार्केट के लिए निकल गई। दोनों के घर से निकलते ही मैंने भाभी की छोटी अलमारी फिर से खोला और बड़ी बारीकी से एक एक सामान को खंगालना शुरू कर दिया। भाभी की शादी की एल्बम में भैया और भाभी की फोटो के नीचे एक फोटो और छिपी हुई थी। मैंने उस फोटो को बाहर निकाला तो मेरे होश उड़ गए। ये मेरे मंगेतर रिजवान और भाभी के पुरानी फोटो थी। मैं यह देखकर हिल गई थी। भैया के साथ ही बहुत बड़ा धोखा नहीं हो रहा था, बल्कि भाभी मेरे साथ भी बहुत बड़ा धोखा कर रही थी। जिस लड़के से मैं प्यार करती हूँ, वही लड़का मेरे भाभी का भी आशिक है और भाभी रात को उसी से बात करती हैं। इतना ही नहीं, रिजवान ने तो भाभी को प्रेग्नेंट भी कर दिया। यह सब बातें अब मेरे लिए बर्दाश्त से ऊपर हो चुकी थी। मुझे लगा कि मैं अभी घर में सभी को भाभी की असलियत बता दूं ताकि मेरी जिंदगी तबाह होने से बच सके। भाभी की असलियत खुलने से भैया को भी उस जहरीली नागिन से छुटकारा मिल जाएगा। भाभी और रिजवान की फोटो को उजाले में रख कर मैंने अपने मोबाइल से फोटो की फोटो ले ली और अलमारी को फिर से पहले जैसा कर उसे लॉक कर दिया। मैंने सोचा कि अपने मोबाइल से ली गई इस तस्वीर
वीर को भैया को भेज दूं और उन्हें पूरी बात बता दूं, लेकिन फिर कुछ सोचकर भैया के आने तक खुद को रोक लिया। मैं अपने बेड पर लेटी हुई भाभी और रिजवान की धोखेबाजी के बारे में सोचकर रोने लगी। मैं दोनों से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, लेकिन अब वही मोहब्बत बेइंतहा नफरत में बदल चुकी थी। मुझे याद आया कि रिजवान से मेरे रिश्ते को जोड़ने में भाभी का ही हाथ था। रिजवान भाभी के मामा का लड़का था और अच्छी जॉब में था, इसलिए मेरे घर वाले झट से इस रिश्ते के लिए राजी हो गए थे। अब इस बात पर पक्का यकीन हो गया कि मेरा मंगेतर रिजवान मेरे भाभी का बॉयफ्रेंड था, जिससे भाभी की शादी नहीं हो पाई होगी। मेरे भैया से शादी के बाद भी दोनों का अफेयर चलता रहा होगा और फिर दोनों ने मिलकर ये प्लानिंग की होगी कि रिजवान मुझसे शादी कर ले और नए रिश्तों की आड़ में दोनों का पुराना नाजायज रिश्ता कायम रहे। अगले दिन भैया आने वाले थे, मैंने पूरे सबूत जुटा लिए थे। भाभी और रिजवान की असलियत खोलने के लिए इतना सबूत काफी था। मैं किसी भी कीमत पर रिजवान जैसे दरिंदे से बात नहीं कर सकती थी, इसलिए दो दिनों से मैंने अपना फोन भी बंद रखा हुआ था। शाम को भाभी मार्केट से लौटी और सीधे कमरे में पहुंचकर मुझसे बोली, जैनब जरा ये झुमके पहनकर देखो तो, अगर तुम्हें पसंद ना आए तो इन्हें मैं रख लूंगी। मैं भाभी की बात का जवाब दिए बिना वहाँ से उठी और गुस्से में किचन में चली गई। भाभी को मेरा ये रवैया अजीब लगा। वो मेरे पीछे पीछे किचन में आई और बोली, तुम्हारा फोन क्यों बंद है जैनब? मैं मार्केट में थी तब रिजवान का फोन आया था। वो बोल रहा था कि दो दिन से तुमने फोन बंद कर रखा है। मैं अपने गुस्से को काबू न कर पाई। मैंने अपना मोबाइल ऑन किया और अलमारी वाली तस्वीर को भाभी के मुंह के सामने रखते हुए बोली, तुमने और रिजवान ने हमें समझ क्या रखा है भाभी? कल भैया को आ जाने दो, फिर सबके सामने तुम दोनों की अय्यासियों का भंडाफोड़ तो मैं करूंगी। पूरी दुनिया में कहीं मुंह दिखाने के लायक न रहोगे दोनों। मेरी यह बात सुनकर भाभी पर जैसे बिजली गिर गई हो वो कुछ देर खड़ी रही और मैं उन्हें वहीं छोड़कर सीधे कमरे में चली गई। भाभी कमरे में आई और बोली, बस एक मिनट के लिए मेरी पूरी बात सुन लो जैनब, उसके बाद तुम मुझे जो भी सजा देना चाहो दे देना। तुम्हारा शक काफी हद तक सही है लेकिन पूरा सच नहीं। रिजवान मेरे दूर का मामा का लड़का है, उसके साथ मेरा बचपन गुजरा है, हम दोनों ने साथ में पढ़ाई की, मैं उसे पसंद करती थी, वो भी मुझे पसंद करता था, लेकिन हमारी शादी नहीं हो पाई। 3 साल पहले मेरे घर वालों ने तुम्हारे भैया से मेरी शादी कर दी और मैं रिजवान को भूल गई, वो भी मुझे भूल गया। 1 साल पहले वो मुझे मिला तो पता चला कि वो अभी तक कुंवारा है और शादी के लिए अच्छी लड़की की तलाश में है। तब मैंने तुम्हारे रिश्ते की उससे बात कर ली और उसके घर वाले भी राजी हो गए। भाभी की बात सुनकर मेरा गुस्सा शांत नहीं हुआ। मैं बोली, मेरी शादी रिजवान से तो तुमने इसीलिए तय करवाई ताकि मेरे रिश्ते की आड़ में तुम्हारी हवस की प्यास भी बुझती रहे, लेकिन तुमसे मेरी शादी तक भी न रुका गया और कुछ दिनों पहले उससे तुम प्रेग्नेंट भी हो गई। तुम्हारी अलमारी से मुझे गर्भ गिराने की दवाएं मिली थी, मैंने अपने मोबाइल में उन दवाओं की फोटो भी ली हुई है, ये देखो। भाभी बोली, तुम कैसी ओहियात बातें कर रही हो जैनब, यह 2 साल पुरानी तुम्हारी दवाएं हैं, इन पर लिखी डेट तो देख लेती। तब मैंने इन दवाओं को अपनी अलमारी में छुपा कर रख दी थी ताकि अगर तुम्हें दोबारा जरूरत पड़े तो मुझे बाहर कहीं भटकना ना पड़े। मैंने फोटो को जूम कर डेट देखी तो सच में यह पुरानी वाली मेरी ही दवाएं थी। मैं बोली, उस रात तुम उल्टियां कर रही थी और मैंने कूड़ेदान में भी एक दवाई का रेपर देखा। अगले दिन तुम अकेली चांदनी चौक के बहाने से डॉक्टर के पास निकली थी। भाभी बोली, कूड़ेदान वाली जो दवा तुमने देखी है वो पेट दर्द की दवा थी, अगर तुम्हारे पास वो रेपर हो तो अभी चेक कर सकती हो। और अगले दिन मैं चांदनी चौक ही गई थी। वहाँ से खरीदे गए सामान में चांदनी चौक की दुकानों की कुछ बिल्स रखे होंगे, चेक कर लेना। मैंने झट से छुपा कर रखी कूड़ेदान वाली दवा को निकाला और गूगल पर उस दवा को टाइप किया तो पता चला कि भाभी सही कह रही थी। फिर उस दिन के सामान में चांदनी चौक की दुकानों के बिल्स भी मिल गए। मैं भाभी के आगे थोड़ी शर्मिंदा हुई। फिर मैंने भाभी की अलमारी से मिली फोटो के बारे में सवाल किया।
तो भाभी बोली, मेरी अलमारी से तुमने जो फोटो निकाली है ना, वो रिजवान के साथ मेरी तब की तस्वीर है जब कॉलेज के आखिरी दिन हम दोनों अलग हुए थे। जब रिजवान से तुम्हारा रिश्ता जुड़ा तब मैंने यही तस्वीर तुम्हारे भैया को दिखाई थी। वैसे मैंने अपने और रिजवान के बारे में सारा सच शादी से पहले ही तुम्हारे भैया को बता दिया था। मैंने रिजवान से तुम्हारा रिश्ता इसीलिए जोड़ा क्योंकि रिजवान को मैं बचपन से जानती हूँ, वो बहुत ही अच्छा लड़का है। मेरी शादी होने के बाद वो अब मुझे अपनी सगी बहन की तरह मानता है और मुझसे दिल की बातें शेयर करता है। वो अभी शादी नहीं करना चाहता था लेकिन जब मैंने उससे कहा तो वो झट से राजी हो गया क्योंकि वो जानता था कि मैं उसकी बहन होने के नाते उसके लिए हमेशा अच्छा ही सोचूंगी। मेरा एक आखिरी सवाल बाकी था। मैंने पूछा, उस दिन तुम भैया से बात नहीं कर रही थी क्योंकि जब तुम बाहर किसी से बात कर रही थी तब अंदर भैया से मैं बात कर रही थी। इस सवाल पर भाभी जोर से हंसी, बोली, मैं तुम्हारे भैया से ही बात कर रही थी। तुम्हारे भैया के फोन पर तुमने कॉल किया तो मैं चुप हो गई। जब तुमने अपना सीक्रेट भैया को बोला तब मैं लाइन पर ही थी। और जरूरी नहीं कि हर वक्त मैं तुम्हारे भैया से ही बतियाती रहूं। कई बार मेरे घर वालों का भी कॉल होता है लेकिन उस दिन तो मैं तुम्हारे भैया से ही बात कर रही थी, वरना तुम्हारे सीक्रेट गिफ्ट वाली बात मुझे कैसे मालूम होती। तुम चाहो तो उस दिन की मेरी कॉल डिटेल्स चेक कर सकती हो। मैंने भाभी का पूरा सच जाना तो मेरा सारा गुस्सा गायब हो गया। मैं बेहद शर्मिंदा थी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। कुछ ही पलों में सब कुछ बदल गया और भाभी पर मेरा प्यार और दुगुना हो गया। मैं रोती हुई अपनी प्यारी भाभी से लिपट गई और बोली, आई लव यू भाभी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। भाभी ने प्यार से मुझे गले लगा लिया और बोली, रिजवान से बात कर लो, वो दो दिनों से तुमसे बात करने के लिए बेचैन है। ये कहकर कमरे से बाहर चली गई। भाभी के जाते ही मैंने रिजवान को फोन लगा दिया। कहानी से सीख, कई बार हमारी आंखें भी धोखा खा सकती हैं। जरूरी नहीं कि हम जो महसूस कर रहे हैं वही आखिरी सच हो, इसलिए किसी भी बात पर अपनी आखिरी राय कायम करना सही नहीं है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मैं आपके लिए लाती हूँ सबसे ओरिजिनल कहानियाँ। शुक्रिया आप।